गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और अभी बज रहा है 10। अभी मेरा खाना बन चुका है, मैंने घर पे पूजा कर लिया है और जाऊँगी मैं मंदिर में पूजा करने। आज सावन का सोमवार है, पहला दिन है, तो इसमें अभी मैंने चावल रखा है और इसमें दाल बना के रखती हूँ। रोटी बन गई है और इसमें है सब्जी, बैंगन का कलौजी, इसमें शरबत है नींबू का, जिसको पीना होगा वो पी लेगा। और मैंने अभी बाबू को नहला दिया है। तो इधर मेरा बाबू नहा लिया है, अब इसकी मालिश करनी है। मैं अभी कपड़ा नहीं पहना है, उसको नहीं दिखा सकती पूरा। तो अभी मैं बाबू की मालिश कर लेती हूँ और अपना बेड साफ़ कर लेती हूँ, एकदम अच्छे से सेट कर लेती हूँ पूरा रूम, फिर तैयार होकर जाऊँगी मंदिर में पूजा करने। तो वहाँ पर आप लोगों को दर्शन कराऊँगी, तो आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैंने बाबू को नहला दिया है, अभी मैं जा रही हूँ बाबू की मालिश करने। तो इनको मैं पहले मालिश कर लूँगी अच्छे से, फिर कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, फिर हम लोग जाएंगे साथ में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू जाएगा। तो इनका शर्ट पहले मैं पहना चुकी हूँ, पैंट बाद में पहनाऊँगी, नहीं तो ये सुसु कर देंगे। ज़्यादातर डायपर यूज नहीं करती हूँ मैं, बस अभी तो मैं इनकी आदत छुड़ा रही हूँ, डायपर बिल्कुल नहीं पहनाना है इनको। बस कहीं आना जाना है तो थोड़ी सी सेफ्टी के लिए पहना देती हूँ, वरना कपड़े पे सुसु कर देंगे या कुछ भी मतलब गंदा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहीं जाती हूँ तभी इनको डायपर पहनाती हूँ, वरना घर पे तो सिर्फ चड्डी में ही घूमते हैं। तो अभी मैंने इनको काजल, टीका, तेल वगैरह सब लगा दिया है। अब इस इनको तैयार करने के बाद फिर मैं खुद तैयार होऊंगी। तो पहले मैं इनको काजल वगैरह लगा ली हूँ, अब इसके बाद मैं दूध पिला देती हूँ। और ये देखिएगा कि जब मैं दूध लाने जाती हूँ तो ये कैमरे के पास बैठकर किस तरह से बातें करते हैं। तो अभी इनकी तैयारी करके अब मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए। इनको दिखा दूँगी कि देखो वहाँ पे कैमरा है, और बाबू देखो वो बाबू है वहाँ पे, बाबू ऐसा कर देती हूँ तो वो देखने लगता है। अरे बाप रे, बाबू बातें कर रहा है का? हाँ? अच्छा, थैंक यू, थैंक यू पांचू। मम्मी बिना आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा बाबू कैमरा देखते ही कैसे कैसे एक्टिंग कर रहा था, मम्मा मम्मा बुला रहा था और उसमें जय कर रहा था, चुटकियां बजा रहा था, ऐसे ही खेलता है वो। कैमरा देखता है तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होने लगता है। तो अभी मैं इसको बाबू को दूध पिला रही हूँ और ये थोड़ा बहुत पीता है, फिर नाटक करने लगता है, छोड़ देता है लास्ट में, 8-10 चम्मच पी लेता है तो भी इतना है कि कुछ पी लेता है तो अच्छा लगता है मुझे। उसका पेट भी कुछ कुछ भरा रहता है, कुछ कुछ देर पे खाता रहता है तो ठीक रहता है, वरना हमेशा रोता रहता है, पीछे पीछे घूमेगा। तो इसलिए कुछ देर पे मैं इसे कुछ न कुछ खिला ही देती हूँ। तो अभी बाबू तैयार हो गया है, बस इसको पैंट पहनना रह गया है। मैं तैयार हो रही हूँ, मैं चूड़ियाँ पहनूँगी और ये ब्लाउज मैंने बनाया था। आप इसकी वीडियो नहीं गई है, इसकी वीडियो मैं दूसरे ब्लॉग में डालूंगी। तो पहले ब्लाउज का पूरा सेट आप लोगों के साथ दिख रहा है और इसकी सिलाई विलाई नहीं दिखी है। इसका वीडियो सिलाई का नहीं बनाया है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट किया है। तो देखिए ये चूड़ी कैसी लग रही है मेरी, ये ग्रीन है और मैंने सावन में पहनने के लिए ही इसको तैयार किया है, ब्लाउज बनाया है। और ये साड़ी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में, बहुत हल्की फुल्की है, इसमें कोई लेस वर्क नहीं है, एकदम सिंपल सी है, थोड़ी सी कॉटन मिक्स है तो ये सिकुड़ेगी, लेकिन फिर भी जो भी है ये आरामदायक है। तो देखिए ये पहनने के बाद कुछ ऐसा इसका लुक आ रहा है, बहुत हल्का कलर है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जाऊंगी तो इतना घूंघट करके जाऊंगी, वही मैं देख रही थी और कैमरे में भी देख रही थी, अच्छी लग रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पूरा आप लोग देखना। तो अभी मैं पहले पैर में लगाऊंगी महावर, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं, आएंगे तभी हम उनके साथ चलेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने पैरों में एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, हाथों से ही लगा रही हूँ मैं। तो इसकी भी वीडियो, फुल वीडियो मैं आप लोगों को अलग से सेंड करूँगी।
अपलोड करूँगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना। बहुत सारे लोगों को मेरी आलता की वीडियो पसंद आती है और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फीड की वीडियो अपलोड करने से। मेरा पुराना चैनल इसी की वजह से मतलब ऐसे हैक हो गया, मैंने बनाने के लिए दिया तो उसने हैक ही कर लिया, तो इसकी वजह से मैं ना ब्लॉग डालती हूँ, वरना मैं फीड की वीडियो डालती और आलता की भी वीडियो डालती तो इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से मैं ब्लॉग व्लॉग डालती रहती हूँ, सिलाई की वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, जो भी लोग देख रहे हैं। तो देखिए ये बेसिक सा मैंने आलता का डिजाइन जो है, आलता का डिजाइन नहीं है, बेसिक सा आलता है, उसको मैंने लगा लिया है और इस तरह से फिंगर में इस तरह से मैंने लगा लिया है किनारे किनारे पे। फिर उसके बाद मैं नाखून के पास चारों तरफ लगाऊंगी, फिर एक गोला बनाने के बाद थोड़ी सी डिजाइन बना दूंगी। तो पूरा आप लोग वीडियो पहले देख लीजिए कैसा है इसका डिजाइन, और इसकी वीडियो तो मैं जरूर ही डालूंगी क्योंकि ब्लॉग टाइप बनाया हुआ है, तो सिर्फ आलता और फिट की ही है, तो मैं आप लोगों को देखने के लिए डाल दूंगी इस वीडियो को, तो उस पर भी आप लोग पूरा अच्छे से वॉच करिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से हाथों से ही लाइनिंग बना दिया है यहाँ पे। अब रह गया ऊपर साइड बनाना, तो देखिए एक गोला बनाया और इस गोले की कुछ दूरी से मैंने इस तरह से गोला एक और घेरा बना दिया। अब ये इसके चारों तरफ एक छोटी छोटी बिंदियाँ देती जाऊंगी और ये बहुत ही सुंदर बन जाएगा, कम समय में बनेगा और बिना किसी स्टिक या कॉटन बर्ड्स के यूज किए बिना ही ये बन जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा बन गया है, सिर्फ हाथ से ही मैंने इसको बना दिया है फिंगर से। तो इसकी ये आलता की डिजाइन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज मेरा फिट मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं इधर आलता लगा नहीं रही थी कुछ दिनों से, बहुत दिनों से नहीं लगा रही थी, फिर आज मैंने लगाया है। वीडियो अपलोड करना भी था और आज सावन भी था, पूजा करना था, तो ये शुभ होता है पैर कलर करना, महावर लगाना, इसकी वजह से मैंने लगा लिया था, और मैंने पूजा भी करने जाना था, वीडियो भी शूट कर लिया। तो देखिए मेरे पूजा की ये डोलची जो भी है, आप जो भी डलिया वलिया बोलते हो, वो तैयार हो गई है। मैं जब गई थी मंदिर ना, तो मैंने अपना फ़ोन भूल गई थी घर पे ही, तो कोई वीडियो वहाँ की शूट ही नहीं हो पाई, घर पे ही फ़ोन छूट गया था। तो देखिए यहाँ पे गाय के लिए आया है उछवानी, और यहाँ प्रांशु खा रहा है, क्या ये खा रहा था यार, कुछ खा रहा था, पता नहीं कौन सा पॉप खा रहा था, कॉफ़ी पॉप खा रहा था। तो देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं और मुझे भी लाए, मम्मी आ गई है गाय के पास से ही, वो आ रही हैं जूठे की बाल्टी लेकर। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये बाबू रेडी है, ये अपनी अम्मा के साथ चला गया खेलने। मैं आप लोगों से फिर से अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।